दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उम्र सीमा बढ़ने के बाद ग्रुप डी से और एएलपी टेक्नीशियन से अब एक अच्छी खबर आ रही है कि ग्रुप डी से आईटीआई भी हटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये एक पक्की खबर है और आपको फुल प्रूफ के साथ बताता है कि कहाँ से खबर आई है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने आज रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी से बात किए हैं कि इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ग्रुप डी में टेक्निकल का वर्क का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन्होंने जाहिर की है कि आप इसे ग्रुप डी से आईटीआई हटा दें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम देने के लिए शामिल हो सकें और जॉब ले सकें। तो इसके रिलेटेड आज सुशील कुमार मोदी जी ने बात की है। आपको बता दें, उम्र सीमा को बढ़ाने के रिगार्डिंग भी सुशील कुमार मोदी जी ने पीयूष गोयल से बात किए थे और उन्होंने बात मान ली और उम्र सीमा बढ़ा दी दोनों असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन ग्रुप डी से। तो दोस्तों, अभी हद तक हमारे आप चैनल पांडे गुरु जी पे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल बटन को प्रेस नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली रेलवे एग्जामिनेशन का वीडियो न्यूज़ और वीडियो ट्यूटोरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ये न्यूज़ देखने के लिए आप अंत तक वीडियो को देखें और देखें न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं फेसबुक पेज पे। तो ये फेसबुक का पेज है, तो फेसबुक पेज पे जाइए और सर्च बटन पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी का ऑफिशियल जो पेज है उसको सर्च कीजिए। आपको यहाँ पे बताते हैं कि सुशील कुमार मोदी का यहाँ पे दो पेज आ रहा है। देखिए, ग्रीन साइन का है तो ये सुशील कुमार मोदी का फेसबुक का अप्रूव्ड पेज है। जी दोस्तों, ये ओरिजिनल पेज है, कोई फेक पेज नहीं है। तो यहाँ पे सुशील कुमार मोदी को आप ओपन कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट इनका देखते हैं। आज आज ही इन्होंने पोस्ट किया 8 घंटे पहले, तो इसको करते हैं और देखते हैं क्या पोस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सुशील कुमार मोदी ने अपने पेज पे क्या पोस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईटीआई की अनिवार्यता खत्म करने पर रेल मंत्री का सकारात्मक आश्वासन, पटना 21/2/2018। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से टेलीफोन पर बात कर रेलवे के ग्रुप डी के पदों के लिए मैट्रिक के साथ आईटीआई की अनिवार्यता को खत्म करने का आग्रह किया, जिस पर उन्होंने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 2 वर्ष बढ़ाने पर रेल कर्मी को धन्यवाद दिया। जी दोस्तों, यहाँ पे जो बताया आपको कि सुशील कुमार मोदी ने जी ने भी पहले बताया था, आग्रह किए थे उन्होंने रेलवे मंत्री से कि आप उम्र सीमा को बढ़ा दें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो सकें। तो आगे और देखते हैं, श्री मोदी ने युवकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि रेल मंत्री जल्द ही दिशा में सकारात्मक निर्णय लेंगे। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों से जब से वैकेंसी निकली है तब से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत से रेलवे का चक्का जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रेल ग्रुप डी में कोई टेक्नीशियन का वर्क नहीं है, तब भी आईटीआई क्यों मैंडेटरी किया गया है। जाहिर सी बात है, कुछ बहुत से बेरोजगार दोस्त को भी जॉब मिलने की आश्वासन था क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ज्ञातव्य है कि रेलवे ने ग्रुप डी के लिए 62,900 और ग्रुप सी के तहत असिस्टेंट लोको पायलट व अन्य तकनीकी पदों के लिए 26,000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। ग्रुप डी के पदों के लिए मैट्रिक के साथ आईटीआई की योग्यता अनिवार्य की है, जिसे लोग लेकर युवा द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने रेलवे मंत्री से उम्र सीमा बढ़ाने पर सहानुभूति विचार करने का आग्रह किया था। तो इन्होंने जो आग्रह किया था उनको बात मानने के बाद सहानुभूति विचार करने का आग्रह किया था, जिससे आलोक में रेलवे में 18 से 31 वर्ष की उम्र सीमा को बढ़ाकर 18 से 33 वर्ष कर दिया गया है। 2 वर्ष उम्र सीमा बढ़ाने से लाखों छात्रों को फॉर्म भरने का मौका मिला है। इसके साथ ही छात्र अलग अलग जोन की जगह
केंद्रित तरीके से फॉर्म भर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ग्रुप सी के सहायक लोको पायलट और तकनीकी पदों के लिए तो मैट्रिक के साथ आईटीआई की अनिवार्यता उचित है, मगर ग्रुप डी के पदों के लिए आईटीआई की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। जी दोस्तों, ये रहा न्यूज जो होप जो भी न्यूज पहले से भी आती है, थोड़ी हवा में आती है तो सच्चाई में बदल जाती है। हम लोग पहले से न्यूज़ देख रहे थे कि उम्र सीमा को बढ़ाने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उसे दोस्तों को जो आईटीआई नहीं किए हैं और ग्रुप डी का फॉर्म भरने से इलिजिबल हो सकते हैं, इलिजिबल हैं। तो एक अच्छी बुरी खबर है वैसे स्टूडेंट के लिए जो आईटीआई करके बैठे हैं, उनको लिए ग्रुप डी में कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी से हट जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप 26,000 जो असिस्टेंट लोको पायलट में हैं और टेक्नीशियन में हैं, वहाँ भी आईटीआई वाले अच्छी कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक न्यूज़ रहा है। आप हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे वेबसाइट www.itofficerjob.com पे जाके डेली MCQ दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।